Good morning, dear student. I'm your English teacher. And dear student, today is time of our English. So we study our English book. Student, अब तक हमने हमारा फोर्थ चैप्टर एनिमल्स इन डेंजर एंड इंटरेस्टिंग इंसेक्ट, ये हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार मैं आपको वापस से समझा देती हूँ. हमने पढ़ा था एनिमल जो क्या है, अभी डेंजर सिचुएशन में आ चुके हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो अभी लुप्त होने वाले. फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था टाइगर एंड क्रोकोडाइल, ये क्या है, एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स हैं. इनको लोग क्या करते हैं, किस ब्यूटीफुल स्किन के लिए इनका प्रे करते हैं, इनका शिकार करते हैं, हंट करते हैं, तो ये नष्ट होने वाली सिचुएशन में आ चुकी हैं. और हमने टाइगर्स और क्रोकोडाइल में क्या स्पेशलिटीज होती है वो हमने पढ़ी थी. ये हमारा चैप्टर रहा था. और उसके अलावा हमने इंटरेस्टिंग इंसेक्ट पढ़े थे. फॉर एग्जाम्पल हमने डेडी लॉन्ग लेग्स पढ़ा था और हमने लॉन्ग स्क्वा पढ़ा था. ये सब कुछ हमारे लॉन्ग स्क्वामा, ये हमारे कुछ इंटरेस्टिंग इंसेक्ट थे जो क्या है अभी भी, जैसे डेडी लॉन्ग लेग्स है वो अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है. ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं. तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था जो क्या है अभी नष्ट हो चुके हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था जो जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था. तो ये रहा हमारा चैप्टर. और इस चैप्टर में हमने चैप्टर के वर्क भी किया था. फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट पोर्शन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमने अच्छे से किया था. सेकंड पोर्शन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, शॉर्ट में आंसर करना था, वो क्वेश्चन भी हमने अच्छे से कर लिए थे. अब हम नेक्स्ट पोर्शन करेंगे, दैट इज सी सेक्शन, दैट इज मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. हमें कॉलम ए में कुछ मीनिंग्स दी गई, इन्हीं मीनिंग्स के अर्थ को जो मैच करता है, यानी इनका जहाँ मीन होता है उसको हमें उनसे मैच करना है. अब आउटलाइन, फर्स्ट हमारा आउटलाइन, ए सेक्शन को बी सेक्शन से मैच करना है. आउटलाइन क्या होता है, आउटलाइन होता है बाहर की, बाहर का जो आवरण होता है उसको आउटलाइन कहा जाता है. तो आउटलाइन हमारा कहाँ है, ये रहा, शोइंग द आउटर शेप, बाहर का जो आकृति दिखाते हैं उसको आउटलाइन कहा जाता है. सेकेंड है नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल क्या होता है, नॉक्टर. तो देखिए बच्चों, कॉलम ए को हमें कॉलम बी से मिलाना है. तो एक बार हम रीडिंग करते हैं इनका, मेन क्लियर करते हैं. आउटलाइन, आउटलाइन का मीनिंग तो बाहर की दीवार. नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल होता है जो रात के समय जो शिकार करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा टाइगर वो क्या था, नॉक्टर्नल एनिमल था. प्रे, प्रे का मीनिंग होता है शिकार. ट्विचेस, ट्विचेस का मीनिंग होता है इधर उधर हिलाना. सिटीजन को क्या कहा जाता है, सिटीजन को नागरिक, यानी किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं उनको सिटीजन कहा जाता है. रेप्टाइल, रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले जीव. फॉर एग्जांपल अपना लिजार्ड, अपनी क्रोकोडाइल, ये कौन होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगते हैं. ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मेन होता है, ग्लाइडिंग का हमने क्या सीखा था, ग्लाइडिंग का हमने सीखा था, ग्लाइडिंग का हमने सीखा था हिलाना, यानी किसी वस्तु को धीरे धीरे हिलाना. आगे है लॉस्कट्स, लॉस्कट जो होता है जिससे हम हिंदी में टिड्डी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट है या फिर हम हमारे जितने भी फसल होती है, क्रॉप्स होती है, उनको फटाफट चट कर जाते, खा जाते, ही होते हैं हमारे लॉस्कट्स. अब देखिए कॉलम बी को स्टडी करेंगे. कॉलम बी में देखिए, ए हमारा है एनिमल्स हंटेड बाई अनादर एनिमल्स फॉर फूड, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के द्वारा भोजन हेतु शिकार कर लिए जाते हैं. नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एंड एग लेइंग एनिमल्स, यानी ठंडे खून वाले और जो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड, ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसका ब्लड जो है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है. नेक्स्ट है शोविंग द आउटर शेप, बाहरी परत को दिखाना. नेक्स्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, किसी देश के निवासी. डूइंग थिंग्स एट नाइट, रात्रि के समय किया जाने वाला कुछ काम. शेक लाइटली, धीरे धीरे हिलाना. विंग्ड इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय प्लांट्स, यानी विंग, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जिनकी क्या होती है, विंग्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. आगे टू मूव स्लोली इन एयर विदाउट स्टॉपिंग, हवा में बिना रुके हिलाना. तो ये हमारे ए और बी को हमने स्टडी किया था. अब हम करेंगे इनको मैच, जैसे कि हमें दोनों का अर्थ स्पष्ट हो चुका है, अब इनको मैच करेंगे. तो फर्स्ट हमने किया था आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है, शोविंग द आउटर शेप, बाहर की शेप जो आकार दिखाना. नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल हमने पढ़ा था, यानी रात्रि में काम करने वाली जी. तो नॉक्टर्नल क्या है, क्या रहा, ये करेंगे हम डूइंग थिंग्स एट नाइट. थर्ड है प्रे, प्रेयर होता है शिकार. तो शिकार का हमने पढ़ा था एनिमल्स हंटेड बाय अनादर एनिमल्स फॉर फूड. शिकार क्या होता है कि एनिमल्स को हंट करना, शिकार करना दूसरे जीवों के द्वारा भोजन हेतु. तो ये हमने प्रे को किया हमारे ए से मैच
हो गया हमारा मैच। नेक्स्ट है ट्विचेस। ट्विचेस क्या होता है? ट्विचेस का मीन होता है हवा में बिना रुके हिलाना, तो ये हमारा हमने किया टू मूव स्लोली इन एयर विदाउट स्टॉपिंग। ओके नेक्स्ट है सिटीजन। सिटीजन क्या होता है? सिटीजन होते किसी भी देश के निवासी, तो हमने किया इसको टू पीपल ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट है रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या होते हैं? रेंगने वाले जीव। अब रेंगने वाले कौन होते हैं? हमने पढ़ा था कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है? ठंडा होता है और अंडे देते हैं, तो ये किससे मैच होगा? कोल्ड ब्लडेड एंड एग लेइंग एनिमल्स। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होता है? धीरे धीरे हिलाना। ये क्या करते हैं हम? शेक लाइटली, इसको हम इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है लॉस्कट्स। लॉस्कट क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था लॉस्कट को हिंदी में टिड्डी कहा जाता है और ये एक प्लांट को एक साथ ही नष्ट कर जाते हैं, तो ये हमने मैच किया विंग्ड इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय प्लांट्स। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा मैच दी फॉलोइंग हो चुका है, जिसमें हम ए सेक्शन को बी सेक्शन से मैच किया था। अब नेक्स्ट है हमारा डी सेक्शन। डी सेक्शन बच्चों हमने पिछले वीडियोस में कर लिया था, आगे हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा रहेगा ई। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें जो राइट ऑप्शन होगा वहाँ हमें टिक का मार्क करना है। तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें दो एक ही क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन दिए गए, जो हमारा राइट ऑप्शन होगा उसमें हम टिक का मार्क करेंगे, जो हमारा गलत होगा उसमें हम रोंग का मार्क करेंगे। तो देखिए टाइगर कब्स आर ब्लाइंड व्हेन दे आर बोर्न। टाइगर के जो कब्स होते हैं वो जब पैदा होते हैं वो अंधे होते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर है, तो हम यहाँ राइट का मार्क करेंगे। नेक्स्ट है टाइगर्स आर ब्लाइंड व्हेन दे हंट, जब वो रात्रि के समय शिकार करते हैं तब वो अंधे होते हैं, तो ये हमारा रोंग है, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है न्यू टीथ आर बिगर देन ओल्ड वंस, नए दांत जो होते हैं वो पुरानों की तुलना में बड़े होते हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर है, तो हम यहाँ भी राइट का मार्क करेंगे। आगे है इसी का सेकेंड ऑप्शन है ओल्ड टीथ ऑफ क्रोकोडाइल्स आर बिगर देन न्यू वंस, जो नए वाले दांत पुराने वाले दांत होते हैं उनकी तुलना में नए दांतों की तुलना में पुराने दांत बड़े होते हैं, तो ये हमारा रोंग आंसर, इसको हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है वी कैन सी लॉन्गेस्ट क्वेमा, हम अभी भी लॉन्गेस्ट क्वेमा को देख सकते हैं, तो ये हमारा रोंग आंसर, क्योंकि ये कब के ही नष्ट हो चुके हैं। आगे हैं वी कांट सी लॉन्गेस्ट क्वेमा एनी मोर, हम इन्हें और अधिक नहीं देख सकते, ये हमारा राइट आंसर है, तो इसमें हम राइट का मार्क करेंगे। आगे हैं डेडी लॉन्ग लेग्स आर हेल्पफुल टू ह्यूमंस, डेडी लॉन्ग लेग्स इंसानों के लिए फायदेमंद है, तो ये हमारा राइट आंसर है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? राइट का मार्क करेंगे। आगे हैं डेडी लॉन्ग लेग्स आर नॉट हेल्पफुल टू ह्यूमंस, डेडी लॉन्ग लेग्स इंसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, तो यहाँ हम क्रॉस का मार्क करेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा भी? ये हमने भी राइट रॉन्ग किए थे, जिसमें हमारा जो राइट आंसर था उस पर हमने राइट का मार्क किया था, जो गलत था वहाँ हमने क्रॉस का मार्क किया है। तो ये हमारे जो चैप्टर था उसी के बेस पे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। देखिए यूज एम इज और आर टू कम्प्लीट दीज सेंटेंस, हमें सेंटेंस दिए गए, इन सेंटेंस को इज एम और आर इन वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके कंप्लीट करना है। तो बच्चों एम का यूज होता है हमेशा ही आई के साथ में, आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो एम हेल्पिंग वर्ब आप कर सकते हो, इस जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप इज यूज करते हो, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब आप आर यूज करते हो, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब यूज करने। अब देखिए सेंटेंस को अभी हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट आई डेज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया था आई जो है उसके साथ में हमेशा ए एम यूज होता है, तो हम यहाँ करेंगे ए एम यूज आई एम, एम यूज किया हमने तो क्या हुआ हमारा आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट है ही डेज ए मेसन, वह मेसन है, तो देखिए बच्चों ही क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या करेंगे हम इज यूज करेंगे, तो हमने लिखा ही इज ए मेसन, वह एक मेसन है। नेक्स्ट है शी डेज ए पायलट, वह एक पायलट है, अब शी भी क्या है शी भी सिंगुलर है यानी अकेली है, तब यहाँ भी हम क्या करेंगे हम यहाँ इसका यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हमारा सेंटेंस बना शी इज ए पायलट। आगे दे डेश टायर्ड, वे थक गए हैं, अब दे क्या है, दे यानी वे बहुत सारे क्या है प्लूरल में, तो प्लूरल्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं आर, तो यहाँ लिखेंगे हम आर। देखिए तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हमारा सेंटेंस बना दे आर टायर्ड। आगे है
इट डेज वाइट, यह वाइट है। तो इट क्या है, इट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम इज का यूज करते हैं, तो लिखेंगे क्या हम लिखेंगे इज। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, इट इज वाइट, यह सफ़ेद है। सिक्स नंबर है दे डेज प्रिटी, वे प्रिटी है। दे वापस से क्या है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम करते हैं आर का इस्तेमाल, तो हमने किया आर, दे आर प्रिटी हो गया। नेक्स्ट है यू डेज माय स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो यू के साथ में बच्चों अगर आपका यू सिंगुलर है तो भी आर का यूज करोगे, यू आपका प्लूरल है तो भी आप आर का ही यूज करोगे, तो यहाँ लिखा हमने यू आर, तू मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। आगे हैं तू मेरे स्टूडेंट हो। नेक्स्ट है एट नंबर इट डेज हैवी, हैवी है, तो इट क्या है बच्चों, हमें जो लास्ट के जो सेंटेंस है प्रीडिकेट उनका ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान रखना हमारे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बेस पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इट क्या है, इट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम यूज करते हैं इज, तो क्या बन गया हमारा, इट इज हैवी। नाइन नंबर है वी डेज हैप्पी, वी क्या है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में हम करते आ रहे थे आर, तो हमारा क्या सेंटेंस बना, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल आई डेज इन द मार्केट, आई के साथ में हम क्या करते हैं, आई के साथ में हम एम का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, तो हमारा क्या सेंटेंस बना, आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। तो ये आज का वर्क आपका रहेगा। तो आज आपको एफ सेक्शन जो कि क्या है ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपको होमवर्क में करना है, फिर आपको करना है ई सेक्शन, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ये चैप्टर बेस पे था। नेक्स्ट आपको करना है सी सेक्शन आपके होमवर्क में, ये क्या था, ये आपके चैप्टर बेस था, रीडिंग पोर्शन से था। तो बच्चों ये सब आज आपका होमवर्क रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने हमारे चैप्टर कंप्लीट किया, साथ इसका जितना भी वर्क था हमने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।